तो साथ हम बात करेंगे एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व। अब नॉर्मल कर्व पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर इस तरह की वैल्यू टेकअप करे कि उससे हमारे पास बनाई गई जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर आप शो कर रहा हूँ, ठीक है, बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर दिस इज एन एक्स एक्सिस तो ये इनडेफिनेटली एक्स एक्सिस के ऊपर विदाउट टचिंग एक्स एक्सिस एक्सटेंडेबल हो, ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर। और इसके अलावा इसका जो मीन वैल्यू है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन वैल्यू है वो बिल्कुल सेंटर में लाइक करती हो, और मीन स्टैंडर्ड डिविएशन सॉरी मीन मीडियन और मॉड वो एक ही पॉइंट हो। अगर इसका मीन ये है तो यही पॉइंट इसका मीडियन होना चाहिए, यही पॉइंट इसका मॉड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दिस लाइन शुड एक्ट एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप देखें इस लाइन से, अगर आप इस कर्व के दो हिस्से करते हैं तो ये पार्ट ऑफ द कर्व एंड दिस पार्ट ऑफ द कर्व, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो लिहाजा ऐसी कर्व को हम नॉर्मल कर्व कहते हैं, ठीक है। अब एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जिसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन कर्व डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहा जाता है इसको, बिकॉज गॉसियन का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के को डिस्कवर करने में या इन्वेंट करने में। अब देखिए हम बात करते हैं जी कि अगर ये नॉर्मल कर्व है तो एरियाज अंडर द कर्व, ये अंडरस्टूड है कि बिकॉज हमने बात की थी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसके पैरामीटर्स क्या हैं, यानी वो वैल्यू वो वेरिएबल जो कि इसकी शेप पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको चेंज करते हैं, दोज आर मीन, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। हमने बात की थी इसकी मीन वैल्यू जो भी हो, स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी हो, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व यानी टोटल एरिया अंडर द कर्व जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन, इसका मतलब है टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वन है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड होगी बात। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग यानी बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम अगर ये अगर हम यूं स्टडी करना चाहते हैं कि हम बात करते हैं जी कि फॉर ऑल, यानी ये मैथमेटिकली प्रूवन बात है जिसकी मैं अभी डिटेल बताने लगा हूँ आपको, कि अगर आप मीन वैल्यू से वन स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर इफ दिस इज द नॉर्मल कर्व, इफ दिस इज द नॉर्मल कर्व और आप मीन मीन से वन स्टैंडर्ड डिविएशन डिविएशन अबव, लेट्स सपोज दिस इज वन सिग्मा, ठीक है, वन सिग्मा, वन स्टैंडर्ड डिविएशन, वन सिग्मा एंड दिस इज वन स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो, दिस इज वन स्टैंडर्ड डिविएशन अबव, दिस इज वन स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो बिलो, जो मीन के वन स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और वन स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो, ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, दिस एरिया अंडर द कर्व विल कंटेन 68 अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द एरिया, 68% ऑफ द टोटल एरिया। ये अंडरस्टूड बात है, मैथमेटिकली प्रूवन बात है कि अगर इफ दिस इज द नॉर्मल कर्व देन इसके वन स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और इसके वन स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो जो टोटल एरिया कंटेन होगा वो सीएस 68% का डेटा जो होगा वो लाई करेगा मीन के वन स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और वन स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो के, ठीक है, एरिया की सूरत में बात कर लें या यू नो डेटा की सूरत में बात करें, 68% का डेटा लाइज विद इन दिस एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर आप टू स्टैंडर्ड डिविएशन मूव करते हैं, लाइक वन स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो गया, टू स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो गया, ठीक है, टू स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और टू स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो बिलो मीन, ठीक है, टू स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और टू स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो मीन, तो इस केस में हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, एरिया अंडर द जो कर्व हो जाएगा, ठीक है, फिर टू स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज टू स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो टू स्टैंडर्ड डिविएशन। हम सिर्फ जो है वो हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, साइंस की बात नहीं कर रहे, अबव और बिलो, चले आप यूं कर ले, माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस वन सिग्मा, ठीक है, इस तरह ये प्लस टू प्लस वन स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस टू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर आप टू स्टैंडर्ड डिविएशन अबव मीन के और टू स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो मीन के आए तो हमारे पास जो टोटल एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा ये भी मिला के, ठीक है, ये बन जाएगा टोटल 95% 95.5% यानी टोटल एरिया, यानी दिस ग्रीन पार्ट और ये येलो पार्ट, यानी टोटल एरिया अगर आप मीन के टू स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और टू स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो रहते हैं तो एरिया अंडर द कर्व विद इन दिस रेंज क्या हो जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा, 95.5% ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है, 95.5%। और अगर हम थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन जाते हैं, लाइक अगर हम फ्रॉम मीन से थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन जाते हैं, ठीक है,
अबव और मीन से थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन जाते हैं बिलो, ठीक है, बिलो। तो इस केस में हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व इस सूरत में हमारे पास हो जाएगा 97.99.7%, यानी ये पार्ट भी अब इंक्लूड करें, दिस पार्ट, ठीक है। अगर ये पार्ट भी इंक्लूड कर लो तो टोटल जो है डेटा अंडर टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा 99.7%, 99%। सो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग थिंग, ये मैंने एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात की है कि इसका मतलब हमारे पास जो इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जनरली होगा वो ये वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एंड बिलो होगा। तो आमतौर पर अगर हम जो है वो एसोसिएट करते हैं लाइक इफ यू से कि यू नो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, तो उस केस में हम यूं बात कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, इस केस में हम यूं बात कर सकते हैं कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जाहिर करती है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट को, और हम सपोज करते हैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो लेट सपोज 50 हैं, म्यू इज द 50, ठीक है, और हम सपोज करते हैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, ठीक है, लेट सपोज वन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20, तो 70 और वन स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो कितना हो जाएगा 30, 30, ठीक है, 30 से 70 तक, यानी 30 ले, बिकॉज आई विल गिव रेंज, कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर हम रेंज एक रेंज इंटरवल की बात करते, सो इंटरवल इज 30 टू 70, 30 से 70 तक नंबर करने वालों की जो प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स 30 और 70 के दरमियान होंगे, तो वी कैन से 68% अप्रॉक्सीमेटली 68% चांसेस हैं कि स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 30 से 70 के दरमियान है, विच टेल्स अस के अगर मीन 50 है तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और वन स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो बच्चों का जो स्कोर है वो कितना है 68%। या अगर यही डेटा कोई हाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वी कैन से अगर एवरेज हाइट जो है वो यू नो 4 फीट है, लेट सपोज 4 फीट इज द मीन, तो इसका मतलब है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेट सपोज 2 है तो 2, इसका मतलब 6 फीट ये हो गया वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, और वन स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो जो है 2 फीट है, इसका मतलब वी कैन से कि 2 फीट से लेके, इंटरवल की बात करें 2 फीट से लेके 6 फीट तक अगर लोगों की जो हाइट है उसका उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व, जो कि अगेन कितनी है 68%। तो आप देखें कि जो प्रोबेबल नॉर्मल कर्व है ये हमें, या एरिया अंडर द कर्व जो है बड़ी वैल्यू रखता है हमारे लिए, इसका मतलब ये तो हम स्पेसिफिकली फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब जो हमने एक नॉर्मल कर्व की जो है प्रॉपर्टीज को देखा है, यानी इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं खुद से कोई इंटरवल बनाऊं, मैं बनाना चाहता हूं जी कि फर्ज करें यू नो अगर स्कोर की बात कर ली जाए 15 से लेके लेट से 15 से लेके यू नो 55 तक लोगों का जो स्कोर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि लोगों का स्कोर 15 से 55 तक है, तो वो भी मैं थ्रू एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब वो क्या फार्मूला है, वो क्या रिलेशनशिप है जो कि, या वो व्हाट इज द फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन क्या है जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, या प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड फिर हम उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं।